दोस्तों शुरू करते हैं आज हम सप्ताह संख्या अठारह इसमें पहला प्रश्न है टेन फ्रेम से घटाओ लिखिए इसमें टेन फ्रेम दिए गए, गए हैं इनसे घटाओ करना है चलिए करते हैं शुरुआत ये कितने हैं दस कितने हो गए ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ठीक है सत्रह से पांच कम किए हैं एक दो तीन चार पांच ये पांच कम कर दिए हैं ये लिखा हुआ है सत्रह से पांच कम किए हैं कितना बचा है दस और दो बारह ऐसे ही यह यहाँ करेंगे कितने हैं दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये चौदह है कितना कम करना है एक कितना बचा तेरह ठीक है दस और तीन तेरह बच गया ठीक इसके बाद ये दस है और ये भी पूरे दस है बीस हो गया कितना कम करना है एक दो तीन चार चार को कम करना है कितना बचा है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ऐसे हो जाएगा प्रश्न संख्या दो घटाओ कथन और उत्तर लिखिए घटाओ कथन करना है और उत्तर लिखना है इधर दस हो गया एक टाइम फ्रेम और दस बीस और साथ सत्ताईस सत्ताईस हो गया ठीक है कितना घटाना है एक तो दस का पूरा घटाना है और दो ही बारह बारह कम करना है इसमें से कितना बचा है दस बच गया ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बच गया उत्तर है पंद्रह ठीक है अब ये प्रश्न संख्या तीन टेन फ्रेम की सहायता से घटाना है ठीक है ये पच्चीस में से तेरह घटाना है चलिए करते हैं पच्चीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस कितना कम करना है तेरह कम करना है कट करिए एक, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह कट हो गया कम हो गया अब कितना बचा है दस और दो बारह उत्तर आ गया बारह ऐसे ही यहाँ पे. उनतीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस कितना कम करना है उन्नीस करना है कम ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस कम हो गया कितना बचा है दस एक छियालीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस तालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस छियालीस हो गए दस कम करना है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस कितना बचा है दस बीस तीस और छ छत्तीस छत्तीस बच गया आगे चलते हैं अभ्यास संख्या दो पर इसमें पहला प्रश्न है चित्र की सहायता से घटाव कीजिए चित्र की सहायता से घटाव करना है पंद्रह कप है पाँच दस और चार चौदह एक पंद्रह चार कम करने हैं चार कम कर दीजिए एक दो तीन चार कितना बचा है पाँच और पाँच दस और एक ग्यारह चित्र की सहायता से करना है घटाओ ठीक इधर चौबीस टमाटर है दो कम करने हैं दो कम कर दीजिए एक दो कितने बचे हैं एक दो तीन चार पाँच छः और छः बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस इसको डायरेक्ट भी कम घटा सकते हैं मगर चित्र की सहायता से करना है तो चित्र की सहायता से ही घटाइए खाली स्थान भरिए ठीक अड़तालीस में से जीरो गया जीरो का मतलब कुछ भी नहीं गया तो अड़तालीस का अड़तालीस बच गया ठीक अब बत्तीस बचना है जीरो कम करना है तो कितने में से जीरो कम करेगा बत्तीस से मतलब कुछ भी नहीं कम करना है तो बत्तीस का बत्तीस ही आएगा यह जीरो की अवधारणा शून्य की अवधारणा अब चौबीस में से क्या कम करें कि चौबीस ही हो जाए तो कुछ भी नहीं कम नहीं करना मतलब जीरो ही कम करना है सिर्फ पच्चीस में से एक गया चौबीस अब कितने में से एक कम करें कि सोलह बच जाए किस कितने में से करेंगे सत्रह में से एक कम एक घटाएंगे तो सोलह बच गया अब बयालीस में से एक कम करो तो इकतालीस हो गया ऐसे हो जाएगा प्रश्न संख्या तीन और चार सभी संख्याओं को दस कम करके लिखिए दस कम करके लिखना है ठीक है पंद्रह में से दस कम हुआ पांच अट्ठाईस में से दस कम हुआ अट्ठारह चौंतीस में से दस कम हुआ चौबीस बयालीस में से बत्तीस ठीक है ये हल कीजिए ये हल करने हैं चलो कीजिए चार में से तीन गया एक चार में से गया? एक में से गया तीन तीन में से शून्य गया तीन एक में से एक गया शून्य चार में से चार गया शून्य दो में से एक गया एक पाँच में से पाँच कम जीरो में से जीरो कम हुआ जीरो जीर। पाँच में से तीन कम हुआ दो ठीक चलते हैं प्यास तीन पे चित्र को देखकर घटाओ खतन लिखिए ठीक है ये दस दस के कॉलम है एक दो तीन चार पाँच छः मतलब साठ हो गए इकसठ बासठ तिरसठ कितना होगा तिरसठ माइनस कितना कम करना है एक तो दस का ये कम हो गया ग्यारह बारह बारह कम करना है कितना बचा है दस बीस तीस चालीस पचास और एक इक्यावन इक्यावन बचा है ये दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर सत्तर हो गए और पाँचें पिछहत्तर पिछहत्तर माइनस कितना कम करना है दस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस कम करना है कितना बचा है दस बीस तीस चालीस पचास इक्यावन बावन बावन बच गया खाली स्थान भरिए ठीक है एक हटाना करना है नाइन्टी नाइन में से बीस गया नौ में से जीरो गया नौ नौ में से दो गया सात अब किस संख्या में से जीरो को घटाएगी बयासी रह जाएगी जीरो मतलब कुछ भी नहीं घटाना तो बयासी बयासी में से ही बयासी ही बयासी रह जाएगी अब तिहत्तर में से हम जीरो कम करेंगे तभी तो तिहत्तर रहेगा मतलब तो कुछ भी कम नहीं करना ठीक इधर पचपन में से इक्कीस गए पाँच में से एक गया चार तीन में से दो कम पाँच में से दो कम हुआ तीन अब किस संख्या से हम दस कम घटाए कि तिरसठ रह जाए तो तिहत्तर से घटाएंगे यहाँ आ जाएगा चार चौहत्तर तो तो में चार कम हुआ सत्तर बच गया सभी संख्याओं को दस कम करके लिखिए दस कम करके लिखना है दस घटाना है दहाई घटानी है एक एक ठीक है यहाँ आ जाएगा अठहत्तर चौंसठ बयासी चौवन ठीक अब ये चारों से तीन कम हुआ एक नौ में से एक कम हुआ आठ छः में से चार कम हुआ दो पाँच में से दो घटाया तीन चार में से चार घटाया शून्य सात में से पाँच घटाया दो तीन में से शून्य घटाया तीन और यहाँ छः ये ऐसे हो जाएगी अगले ब्यास में चलते हैं प्रक्रियात्मक प्रवाह पहला प्रश्न है जोड़ के दोनों पक्षों को संतुलित कीजिए संतुलित करना है ठीक है मतलब कि बराबर करना है संतुलित का मतलब होता है बराबर करना है बीस और अट्ठारह बीस और अट्ठारह होता है कितना अड़तीस अड़तीस हो गया ठीक है और तो इधर भी अड़तीस ही करना है अट्ठाईस और दस अड़तीस ठीक है पचपन और तैतीस हो गया नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन पच्चीन आठ एट एट हो गया अट्ठासी और चौंसठ में कितना जोड़ेगी अट्ठासी हो जाएगी चौबीस चौबीस जो जोड़ेगी अठासी हो गया पैंतालीस पैंतालीस नब्बे हो गया अड़तीस में क्या जोड़ेगी नब्बे हो जाए, बावन, ठीक है, चालीस और तीस सत्तर और छिहत्तर और तेईस निन्यानवे और अठासी और ग्यारह निन्यानवे और उनचास और चालीस नवासी अड़सठ और, 40, 89, 68, 68, और इक्कीस नवासी तिरसठ और छत्तीस निन्यानवे निन्यानवे हुआ बहत्तर में क्या जोड़ेगा निन्यानवे हो जाए सत्ताईस ठीक अगला प्रश्न है मिलान कीजिए चलिए करते हैं मिलान पचास है इस तरफ से देखते हैं अट्ठावन इनको जोड़ कर लिखते हैं पहले तो ठीक है अट्ठावन और चालीस अट्ठानवे तिरसठ और छब्बीस छ तीन नौ और आठ पचास पाँच एक छः, पाँच और चार नौ साठ बीस अस्सी सात नौ तिरसठ और छत्तीस निन्यानवे अब मिलान कर दीजिए अट्ठानवे है इधर अट्ठानवे कहाँ ये रहा ठीक नवासी है नवासी ये रहा पचास है पचास ये रहा तीसरा छियानवे है छियानवे को छियानवे से मिलाइए अस्सी को अस्सी से मिलाना है ठीक है सेवेंटी नाइन को सेवेंटी नाइन से मिलाना है निन्यानवे को निन्यानवे से मिलाना है ये ऐसे मिलान हो जाएगा ठीक है मैंने सीख लिया टेन फ्रेम से घटाओ कथन लिखिए टेन फ्रेम की सहायता से घटाओ कथन लिखना है ठीक दस बीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस ठीक है सैंतीस माइनस घटाओ करना है ना कितना करना है दस तो ये हो गया ग्यारह बारह तेरह ये तेरह घटाओ करना है कितना बचा है दस बीस और चार चौंतीस उत्तर आया चौंतीस ठीक रिक्त स्थान भरिए चार में से एक गया तीन दो तो में से एक गया एक सात में से पाँच कम हुआ दो तीन में से एक कम हुआ दो तीन में से जीरो कम हुआ तीन चार में से जीरो कम हुआ चार में चार कम हुआ जीरो पाँच, पाँच में से दो कम हुआ तीन एक में से जीरो कम हुआ एक जो चुका चित्र को देखकर घटाओ कथन लिखिए घटाओ कथन लिखना है ठीक है कितने हो गए ये देखो दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर तिहत्तर माइनस कितना कम करना है दस ग्यारह बारह बारह वैसे कतल तो कतन लिखना है उत्तर नहीं लिखना है, फिर भी उत्तर भी लिख देते हैं दस बीस तीस चालीस पचास साठ इकसठ ये इकसठ बचता है ठीक अब यहाँ पे देखते हैं दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे पंचानवे कितना कम करना है दस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस कितना बचेगा दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर सत्तर बच गया ठीक है अब पुनरावृत्ति साप्ताहिक पुनरावृत्ति ठीक इसमें पहला प्रश्न है घटाओ कथन लिखना है ठीक है कितना है दस बीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस थर्टी सेवन माइनस कितना करना है कम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ कम करना है कितना बचा है दस बीस और नौ उनतीस ठीक सही पर सही गलत पर गलत का इंसान लगाना है पचास में से चालीस कम हुआ दस बचना है तो ये गलत सैतीस सैंतीस में से बाईस कम हुआ पंद्रह बचा है ठीक है बिल्कुल सही ये भी बिल्कुल सही बयालीस नौ बारह कम हुआ तीस ठीक प्रश्न संख्या तीन चित्र को देखकर घटाव का कथन लिखिए घटाव का कथन लिखना है दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पिचासी पिचासी हो गया कितना कम करना है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह कम करना है उत्तर क्या आएगा दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर सत्तर उत्तर आ गया ठीक है अब यहाँ देखते हैं दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे छियानवे सत्तानवे ये हो गया सत्तानवे माइनस कितना कम करना है दस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस कम करना है कितना बचा है दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर ये बचा है सत्तर इसी के साथ सत्ता संख्या अठारह पूर्ण होता है आगे मिलते हैं सप्ताह संख्या 19 के साथ धन्यवाद जय श्री राम